एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। गनपुले मैडम, मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। मैडम, टिचकुले अपने कुछ दुखड़े सुनाना चाहता है। जी, कुछ गलतियाँ म्यूनसिपालिटी ने की है और कुछ गलतियाँ टिचकुले ने भी की है, लेकिन ये सब खुंदक मैं अपने अंदर दबा के नहीं रखता, क्योंकि मैं खुंदक ही नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी, आई एम बिजी। जी, टिचकुले भी बिजी है, पर अदालत ने बोला रोड रोलर पे कब्जा कर लो, इसलिए मैंने किया। लेकिन ये सब मैंने म्यूनसिपालिटी से दुश्मनी निकालने के लिए नहीं किया। क्या चाहते हो मुझसे? जी, वो निरीक्षण करके मेरे बाकी के पैसे। मेरे मजदूर बेचारे गरीब हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती, इंजीनियर से जाकर पूछो। क्या हुआ भाऊ? वो बोली इंजीनियर से बात करो, वो नहीं मानेगा। वो मानेगा, मैंने बोला था ना खिलाओ। हाँ, वो मुझसे लेगा? अरे, वो अपने बाप से भी लेगा। अभी मैंने देखा कि भूलेश्वर आया था एक बंडल लेके। हाँ। और गया खाली हाथ। कैसे? पर खिलाऊं कैसे? जो कुछ भी आपकी जेब में, फटाक से उसकी जेब में डालो, फिर बात करो। जीजा जी, मैं अंदर आऊं? नहीं। ओके। जीजा जी, एक मिनट के लिए आप भूल जाओ कि आप मेरे जीजा हो और मैं आपका साला। वो सब मुझे याद मत दिला। जी, कमिश्नर ने बोला आपसे मिलूं। ए, क्या है ये? रिश्वत। रिश्वत? कम है, अरे ये रख लीजिए। ए, किसने कहा मैं रिश्वत लेता हूँ? किसने कहा? हाँ, मेरी बेइज्जती करने आया? जी, कमिश्नर ने बोला सिर्फ आप मेरे रोड का निरीक्षण कर दीजिए, बस। ए, पुलिस को बुला। गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत देने के जुर्म में तुझे अभी क्या भी अंदर डालवा दूंगा। लेकिन मेरी बात सुन, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। रखो, बोल ना करना। क्या हंगामा हो रहा है ये? मैडम, ये हरकत बोला क्या? आपने इसे बोला ये रिश्वत देने के लिए? मैंने क्या बोला? ये झूठ बोलता है, सबने सुना है यहाँ पे, मैंने सबने सुना है। अभी क्या भी पुलिस को बुला। ये आदमी तो मुसीबत है, मैं नहीं चाहती पुलिस यहाँ पर आए। अपने पैसे उठा और निकलो यहाँ से। दोबारा इसको अंदर मत आने देना, बोल दो सबको। लेकिन इसमें 100 रुपए कम है, वो आपकी जेब में। निकलो यहाँ से। कहाँ फेंको? नीचे। बराबर। ये रिश्वतखोर आपका रिश्तेदार है? किस्मत फूटी थी मैडम मेरी, मुझे नहीं पता था ये गंदगी उसी खानदान की है। इंस्पेक्टर, तुम्हारा मोबाइल। भाई भाई, रुक जाओ। वरना? वरना क्या? वरना क्या? कह रहा है सेंड बटन दब जाएगा और 10 करोड़ की सारी इंफॉर्मेशन कमिश्नर चतुर्वेदी के पास पहुंच जाएगी। हाँ। कंप्लीट मैसेज टाइप्ड है। हाँ। सिर्फ दबाने की जरूरत है। बटन बटन। पर ऐसे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। कोई परवाह नहीं है, हमें 10 करोड़ नहीं मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेकिन हम वो माल तुम्हें भी नहीं हड़पने देंगे। मेरे उंगलियों की रफ्तार तुम्हारे पैरों की रफ्तार से ज्यादा तेज है। और रुक जाओ इंस्पेक्टर, इसमें तो नेटवर्क ही नहीं है। समझ गया, यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज। अरे वाह, ये लक्ष्मी चिट फंड वाली मेरे को क्या सवाल पूछेगी रे? दिल्ली का कैपिटल इंडिया, मुंबई का कैपिटल धारावी। 1 करोड़ रुपए तूने कहा था, 1 करोड़ रुपए से कम इन्वेस्टमेंट लेते तो नहीं है। सही है ना, 1 करोड़ कर देंगे ना। 20 तूने उससे लिया, बाकी 50 कहाँ से लाएगा तू? ये 50 और बाकी ये 50 हो गए। एक ये कौन 50? अभी से डबल कर दिया, शाबाश। 50 कहाँ से लाया? अरे जिससे भी लाया उसको दे दूंगा ना डबल। आ गई आ गई, माल आ गया आ गया आ गया।
वेलकम वेलकम, ये अनुराधा जी हैं। अनुराधा, आपका नाम भी अनुराधा है? आपका भी मतलब आपका नाम भी अनुराधा है? जी नहीं, जी जी मैम। चाचा ये श्याम है। मैं बाबूराव, बाबूराव गणपत राव आपटे। आइए अंदर चल के बात करते, बहुत धूप आई। आइए श्याम, नाइस नेम। अनुराधा, नाइस कॉफी। थैंक यू। ब्यूटीफुल हाउस। थैंक्स अ लॉट। ये लीजिए कागजात। ओह ग्रेट मिस्टर श्याम, आपने एमकॉम किया है? जी। मिस्टर राजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? ITUS? इसकी टोपी उसके सर। गुड 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 जी, एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट ITUS। लेकिन मैंने तो ऐसी डिग्री के बारे में कभी नहीं सुना है। सुनोगे भी नहीं, क्योंकि बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ देम। दैट्स स्ट्रेंज। या आई नो, ये मेरा डिग्री है। ये तो कोई मराठी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है। हाँ। कहाँ तक पढ़े हैं आप? दोपहर तक। व्हाट? सुबह मेरा बाप मेरे को स्कूल पे छोड़ के गया और दोपहर को पूरी स्कूल मेरे को घर पे छोड़ के गए ये सर्टिफिकेट के साथ। अनुराधा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी कंपनी ऐसी कौन सी बिजनेस करती है जो 21 दिन में हमें हमारे पैसे डबल वापस मिलते हैं? That's a very intelligent question. देखिए, हमारी कंपनी जिस फॉरेन कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है वो हमें हमारे पैसे 7 दिन में डबल करके देते हैं। Oh, I see. यार राजू, हम लोग डायरेक्ट उसी कंपनी में जाते हैं। भगवान के वास्ते चुप रहो ना। Are you satisfied, Mr. Shyam? जी, sure. आप तीनों के पैसे डबल हो जाएंगे। ताली नहीं, पैसे पैसे। ये रखिए, इसमें रिसीट है। 50 लाख का, इसमें 50 लाख, 1 करोड़ हो गया। हाँ, ओके ओके ओके, कांग्रेचुलेशंस। बस कुछ ही दिनों में आप सब करोड़पति बनने वाले हैं। मैं तो सिर्फ पति बनना चाहता हूँ। मैं तो बोलता हूँ इसको पति बना, अपन इसका पैसा okay, ले लेते। बाय। कहाँ है यार ये दोनों? ओए इधर दो, संजू बाबा, वसूली जी एकदम संजय दत्त लगते हैं ना। देखो देखो, मेरे पास है पैसे, कसम से मैं इस बार पैसा लाया हूँ। मेरी जेब में है, मेरी जेब में नहीं, सॉरी, मेरे दोस्त को दिया रखने के लिए। वो वहाँ है, अबे यहाँ पे, यहीं कहीं खेल रहा था वो। वो लाल टोपी, लाल टोपी, लाल टोपी, लाल टोपी। अबे व्हाट, इस जीत के असली हकदार आप लोग हैं, बाकी तीन कहाँ है? नहीं, बाकी तीन वो तो मेरे सपोर्टर्स हैं। हाँ, सब कुछ मैं ही हूँ। अच्छा, पता नहीं तुम अगर सही वक्त पे नहीं आते तो क्या हो जाता। तुमने शायद मेरी जीत के लिए भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना की थी, है ना? जी हाँ, बड़ी ईमानदारी से। वैसे मैं एक कलाकार हूँ। हाँ हाँ, और आप? मुझे पेंटिंग और डांसिंग का बहुत शौक है, लेकिन क्या करूँ, सिर्फ कला से तो घर नहीं चलता है ना। हाँ, इसलिए मैं फैशन डिजाइनिंग भी कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी माँ एक कलेक्टर थी। टिकट कलेक्टर? नहीं नहीं, IAS ऑफिसर। ओह सॉरी, मेरा बचपन बड़ी रही सी में गुजरा है। तो फिर आप दादा दादी के यहाँ बर्तन क्यों मांझते हो? नहीं, वो इसलिए कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं भी एक कलेक्टर बनूं, और मेरी चाहत थी साधना। आपकी गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं, कला की साधना। इसीलिए मैंने तय किया कि चाहे कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन मैं अपनी माँ के सामने अपने हाथ नहीं फैलाऊंगा। क्या है कि सच्चाई और ईमानदारी पे मुझे बहुत भरोसा है, मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। बहुत अच्छी बात है, मुझे सच्चा ईमानदार लोग बहुत पसंद है। यानी कि आपको मैं भी पसंद हूं। इसने जो झूठ बोला, बेईमानी की, उसके लिए आपने इसको माफ कर दिया क्या? नहीं नहीं, वो आपका डांस कॉम्पिटिशन था ना, तो इसे पता नहीं क्यों जलन हुई। आपका शो शुरू होते ही इसने स्पीकर्स के वायर काट दिए और सीडी निकाल दिया। ये? यही है ना? ये मैं, हाँ। मैं रख लेता हूँ, छोड़ो ये। और कहने लगा अब देखता हूँ कैसे जीतती है। तो मैंने इसे समझाया, अरे पागल, द शो मस्ट गो ऑन। तुझे मैंने इतना डांस सिखाया, वो कब काम आएगा? और धक्का मार दिया, तब जाके नाचाइए। फिर मैंने इसे समझाया कि अब जाके सॉरी बोल। सॉरी बोला ना तू? अच्छा हुआ आपने इसे माफ कर दिया। क्या है कि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। यू चीटर, मजाक कर रही है, बड़ा मजाक क्या है ये? अब निराली जी, मेरी बाइक में बहुत जगह है, आपको तो पता ही है, आपको छोड़ दूं? आइए आइए, बहुत जगह है, मैं भी चलूं? मुजरा करें हम चार और लड़की लेके जाए तू अकेला। वसूली भाई, साला, ये ले 10 रुपए,
नाग पंचमी है, दूध पी लेना जा करके। कह रहा था कि पूरे घर का कोना कोना जानता है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से, सब मुझे ही करना पड़ेगा, सब मुझे ही करना पड़ेगा। जा। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, सर इज देयर एनी बुकिंग मेड टू इंडिया फॉर अ नेम कॉल्ड निशा, एनी गर्ल? I'm sorry, sir. We don't disclose the passenger information. It's against company policy. Sir, it's very important. I'm sorry, but I can't help you. ये अंग्रेज कभी हेल्प नहीं करेगा। अंग्रेजों से तो पूछना ही पागलपन है, बेकार है। कुछ और पूछे तो कुछ खुद ही बात करेगा। बोल क्या निकाल दिया यार, ये आदमी कुछ नहीं बताने का। चलो यार, लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब कुछ नाटक करते हैं ना। मेरी बेटी, चाचा, मेरी माँ। चाचा क्या हो गया? चाचा, माजी, माजी पानी दो, डॉक्टर, पुलिस। What happened? अरे कोई तो कुछ करो, क्या बताऊँ बाबू? इनकी जो बेटी है, इनके साथ छोड़ा था झगड़ा, वो छोड़कर चलेगी। अब बता नहीं लड़की कब आएगी। गुरुदेव, उर्दू में बोलो। अरे इधर आना, इसको संभालना इधर। What? बड़े नाज समझो के। Sir, I'll tell you. Please come here for a second, sir. This guy had a fight with his sister. They had an argument and she left the house and she's gone away, sir. And now we are thinking that she must have gone to India. So that's why we're thinking that she must have done a booking here. You know, it's really, really, do it for him, right, sir. Poor family, sir. I'll check it out. I'll see what I can do. Right. If you can. This is yours. Right. क्या हुआ बताता है कि नहीं? अच्छा, चाचा आ जाएगी, आ जाएगी शाम तक, आ जाएगी। निशा, NISHA. No, this is not Nisha. Sir, her nickname is Munni, MUNNI, Munni. Any other Indian girl name from here to Delhi or Mumbai, anywhere in India, sir? I'm afraid there isn't, no. All right, sir. Thank you. नहीं, चलो अपना खानदान मत खड़ा करो, चलो चलो, ओवर एक्टिंग मत करो, चलो यहाँ से, चलो कुछ नहीं हो। Excuse me, sir. There is a booking, but not in the name of Nisha. The name's Aditi. She's traveling on the 27th. Excuse me. Can you see if there's any contact number or any kind of address or something? Right. You know, just... There is a number. It's 0207-745-1234. All right. Long live Britishers. Long live Britishers. और इन दो जालिम लफंगों ने 14 साल की नाबालिग लड़कियों के साथ जोर जब... कौन हो भाई? मैं बस दरअसल मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? जी नहीं, मैं पहली बार पुलिस स्टेशन आ रहा हूं। गौरव, आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे मैं भवानी भागमार, तुम्हारी पुरानी टोली, पहचान नहीं रहे मुझे? कितनी पार्टियां मनाते थे हमारे छत पे। अरे विकी की बड़ी बहन यार, भवानी। अरे आप चपरासी के साथ भाग गई थी कॉलेज में, फैमिली ने वापस लाया था। अरे क्या यार, ढिंढोरा मत पीट यहाँ पर। कोई बात नहीं, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। अबे चल, चाय चुए, बस कोने में खड़ा रहे। अकात तो देख, साले के बीच में बोलता है। भोली भाली लड़की जो चीटी से भी डरती थी, आज जाबाज पुलिस ऑफिसर बन गई। अरे क्या बताऊं यार गौरव, हालात इंसान को पुलिस वाला तक बना देते हैं। लेकिन तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? कंप्लेंट लिखाने आया है? अरे तू खाली नाम बोल, हड्डियों का विसर्जन करा दूंगी मैं, बोल। नहीं नहीं दीदी, कोई कंप्लेन नहीं, मैं इनको छुड़ाने आया था। इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता बोले तो ये मेरे बावर्ची लगते हैं। कौन, ये छल छबीला? सुबह सुबह सब्जी लेने निकला था, मैंने सुना पुलिस ने पकड़ लिया, तुम्हें यहाँ आया। और ये नंगा? नहीं जानता। क्या तू मुझे नहीं जानता? मतलब इतना जानता हूं कि घर का संडास साफ करने आता है। दीदी बावर्ची को छोड़ दो ना। कैसे छोड़ दूं यार, अब FIR लिख चुकी है। दीदी भूखा मर जाऊंगा, आजकल लगे बाप मिल जाता है, बावर्ची नहीं। चल ठीक है, तू बावर्ची को ले जा, लेकिन इस अधनंगे को कोठरी में डाल दू। 100-200 उठक बैठक करा दो, उल्टा लटका दो, नीचे से लाल मिर्ची की धुनी दे दो, सस्ते में निपट जाएगा।
चल निकल ले, लेकिन आइंदा कॉलेज के सामने नजर नहीं आना, समझे? राने मुझे अकेला छोड़ के। ए, खड़े रहे। मैंने तुझे बोला क्या करने के लिए है? नहीं लेकिन जल्दी करूंगा तो जल्दी खत्म होगा, तो मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में घर जा सकता हूँ। तू आया पुलिस की जीप में, जाएगा एम्बुलेंस में, समझे? तोंदू चल लगा रहे, शुरू कर। मैं फिल्म का डायरेक्टर नहीं बनने वाला। अरे छोटे छोटे बच्चे मेरे यार, मेरी बीवी को अनाथ कराओगे क्या? सर सर आप ही समझाइए। अरे क्या समझाऊं, मैं खुद प्रोड्यूसर नहीं बनने वाला। अंडरवर्ल्ड डॉन, उदय शेट्टी हीरो, नकली नकली फिल्म की शूटिंग। अरे उसे पता चल गया तो असली असली गोलियां चल जाएंगी। गोलियां नहीं चले अंकल, इस बात की मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश 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 मतलब यहाँ पे गारंटी को कहते हैं, कोशिश मतलब गारंटी। और सारी तैयारियां हो चुकी है सर, सुनील शेट्टी साहब भी मान गए। सुनील शेट्टी जी? सुनील शेट्टी साहब इसी होटल में ठहरे। अच्छा? उनको जब हमने अपनी प्रेम कथा बताई तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, मैं सुनील शेट्टी, ये संजना शेट्टी और वो उदय शेट्टी, और उनको सुधारना है तो मैं तैयार हूँ। और सब कुछ तो ठीक है यार, लेकिन उदय भाई की नजरों में तुम शादीशुदा हो, उसका क्या करोगे? वो भी मैं भैया को समझा दूंगी कि ये इनके मामा जी की चाल थी। बस बात खत्म। अरे आजिए भाई, वेलकम वेलकम। अरे सुनील शेट्टी भी है? हाँ वही तो हीरो है। राजीव तुम्हारे डायरेक्टर दोस्त से कहकर भैया को सुनील शेट्टी से मिलवाओ ना। अरे इसमें क्या बड़ी बात है ना। भैया सर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बाउंड स्क्रिप्ट के बगैर मैं ये फिल्म नहीं करूँगा। अरे स्क्रिप्ट तैयार है भाई। कहाँ है स्क्रिप्ट? यहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनील शेट्टी साहब, उदय शेट्टी, शेट्टी सर। नमस्कार नमस्कार, यान उदय शेट्टी। अच्छा अच्छा, एक एक करके। नहीं नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आपको शक है मेरी काबिलियत पे? अरे नहीं नहीं सर, आप तो ग्रेट डायरेक्टर हो, जीनियस हो आप, लेकिन मैं लेकिन लेकिन कुछ नहीं, कल से आप मेरे साथ शूटिंग कर रहे हैं, वरना यू आर आउट ऑफ द फिल्म, दैट्स इट। ठीक है सर, आपकी मर्जी सर। बार बार से ट्राई। नहीं आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो मैं सड़क पा जाऊंगा? अरे जाइए आप, जाइए, आप आपके बिना फिल्म बनेंगे। ये क्या किया आपने, जब कोई स्टार नहीं होगा तो फिल्म कैसे बनेगी, कहाँ से लाएंगे? अरे लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। इधर आओ। अरे तुम उधर देखो, देखो देखो, चश्मा लगा, अच्छा लगे। Now you are my hero. मिल गया सर, स्टार। अरे ये क्या कर रहे हैं, ये काम नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते? अरे इन्हें कहाँ एक्टिंग आती है, ये तो अपना बिजनेस शूटिंग। यहाँ के नहीं कैमरा है, और इस कैमरे ने आपके अंदर के कलाकार को पहचान लिया है, सही कह रहा हूँ मैं? एक्चुअली मैं बताओ ना। एक्चुअली भैया को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। भाई साहब एक मिनट साइड में आइए, एक्सक्यूज मी। आप क्या कर रहे हैं, इस आदमी को नहीं झेल सकते हैं। क्यों? अरे पागल है, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था सुनील शेट्टी साहब से। मगर मुझसे थोड़ी सह लेंगे थोड़ा सा। अरे उसमें क्या है, आपके पास वक्त है इस काम के लिए? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। पढ़ पढ़ क्या लिखा, ये मेरा फोटो नहीं है, ये क्या लिखा, क्या लिखा, मेरा नाम है कि नहीं? अबे सबका नाम है, ये देख, डीपली मोन बाय फ्रेंड्स, पंकज मार्तन, समीर गौतम। मार्तन तेरा नाम है? तो है, और पता इसका दिया हुआ क्यों? अबे तेरा कोई अता पता है? चल हाँ चलो, क्यों पूछता है, चल। तेरे को जो पट्टी बढ़ाई थी याद है ना? एकदम, मौका मिलते ही फटाफट मार दूंगा। हाँ टकाटक तोते की तरह बोल देना। बिल्कुल, अपनी जेब से कुछ मसाला मत डालना, जो हमने सिखाया है वही बोलना। ज्यादा बोले ना तो सब भूल जाऊंगा। ए हमारी जिंदगी तेरे हाथ में है, अगर कोई गफला किया तो तुझे फोड़ डालूंगा। जैसे बोला वैसे ही करना। हाँ ठीक है। आइए, कौन चाहिए? क्या ये पंकज मार्तन गौतम और समीर का घर है? हाँ हाँ हाँ, आइए आइए आइए। ये कौन है? ये मेरे मालिकों के बहुत ही जिगरी, बहुत ही गहरे और बहुत ही दिल के करीब वाले दोस्त हैं।
मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। नामुमकिन, ये तो मर चुके। इनसे नहीं, तुम्हारे मालिकों से मिलना है। जो पट्टी मेरे दिल में है ना, मुझे बोलने दीजिए तोते की तरह। मालिक के जाने के बाद चारों गम में डूबे रहते हैं। स्विमिंग पूल भी बंद करवा दिया है। फोटो के सामने बैठकर गांधी जी की तरह रोते रहते हैं। ओवर एक्टिंग की औलाद, पूरा गेम बिगाड़ देगा ये। मैंने पहले ही बोला था ये फटाका फटेगा नहीं फूटेगा, लेकिन ये बोल रहा था करेगा। ले कर दिया। मुझे मिलना है तुम्हारे मालिकों से। लेकिन वो यहाँ नहीं है, सबके साथ बॉक्सिंग करने गए। कहाँ? स्टर्लिंग क्लब। अच्छा तो ठीक है, मैं उनसे वहीं जाके मिल लेती हूँ। ठीक है। अब उसके पहले हमें क्लब पहुंचना है। मुझे कुछ देंगे? हाँ देंगे, बहुत कुछ देंगे। क्लब से लौट के बस बदन पे तेल लगा के रखना, हम अभी आते हैं। ठीक है, ठीक है।